पाकिस्तान में एक एक करके भारत के दुश्मन खत्म हो रहे हैं। अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में लश्कर ए तैयबा के कमांडर अकरम गाजियों को गोलियों से भून दिया है। गाजी 2018 से 2020 के बीच लश्कर के टॉप रिक्रूट में से एक था। पिछले साल घाटी में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों का रेडिकलाइज करने में उसकी अहम भूमिका थी। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा वाक्य है जब भारत में वांछित आतंकवादियों को इस तरह मारा गया हो। रविवार को 2018 में जम्मू कश्मीर के सुजवा में आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ख्वाजा शाहिद को अगवा कर लिया गया था। बाद में उसकी सिरकटी लाश पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास बरामद हुई थी। पाकिस्तानी एजेंसियों की जांच दो एंगल से चल रही है, स्थानीय स्तर पर प्रतिद्वंदियों की भूमिका और लश्कर में आपसी टकराव। गाजी की हत्या लश्कर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS के लिए बड़ा झटका है। हालांकि एक सूत्र ने कहा कि ISI इस हत्या को डाउन प्ले कर रही है। गाजी को बाजौर जिले में बाइक सवार हमलावरों ने गोलियां मार दी। गाजी लश्कर की सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल का प्रमुख सदस्य था और भारत के खिलाफ जहरीले बयानों के लिए जाना जाता था। हाल ही के दिनों में लश्कर के किसी आतंकी की यह दूसरी बड़ी हत्या है। सितंबर में POK के रावलकोट में अल कद्दूस मस्जिद के बाहर लश्कर कमांडर रियाज अहमद की हत्या कर दी गई थी। गाजी की हत्या वांटेड आतंकवादी और खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत पंजवार की मौत की याद दिलाती है। पंजवार की मई में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी तरह लश्कर के तैयबा के आतंकी मौलाना रहमान की कराची के गुलिस्तान ए जोहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लश्कर के ही मुफ्ती कैसर फारूक को गुलशन ए उमर मदरसे में गोली मारी गई थी। गौरतलब हो कि पाकिस्तान में इस साल 2023 में कई आतंकियों की मौत हो गई है। इनमें खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार, लश्कर ए तैयबा के मौलाना रियाउजर रहमान और मुफ्ती कैसर फारूक, इन सभी लोगों को पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। पिछले महीने 10 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शाहिद लतीफ को भी किसी अज्ञात लोगों ने मिलकर सियालकोट की एक मस्जिद में गोली से भून दिया था। वो साल 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले फिदायीन दस्ते के मुख्य संचालक जैश ए मोहम्मद का सदस्य था। तो इस तरह भारत के दुश्मनों का एक एक कर खत्म होता नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।